बांदा में गर्मी से लोग बेहाल, पारे ने पकड़ी रफ्तार, जून में पारा पहुंचा 48। भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। अभी मानसून दूर नजर आ रहा है और गर्म हवा और लू से लोग बेहाल हैं। जून के दूसरे सप्ताह में पारा 48 डिग्री पार कर चुका है और अभी जून का पूरा महीना बाकी है, जिससे लोगों के अंदर बेचैनी है कि बाकी जून में गर्मी से लोगों का क्या हाल होगा। पिछले वर्ष मई के महीने में बांदा का पारा 50 डिग्री पाया गया था, जो कि यूपी का सबसे गर्म और पारे का जिला माना गया था। बुंदेलखंड का बांदा जिला हमेशा से ही गर्मी व सर्दी दोनों ही मौसम में तापमान को लेकर जाना जाता है और देश प्रदेश में बांदा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रहती है। पिछले वर्ष 2022 में मई जून के महीने में यूपी में बांदा गर्म के मामले में पहले व दूसरे स्थान पर रहा है। यहां गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, गन्ने का रस का ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं। सड़कों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग सुबह शाम ही अपने घरों से निकलते हैं। नौकरी पेशे वाले व जरूरी खरीदारी के लिए लोग सर में गमछा लपेटकर घर से बाहर निकल रहे हैं। पंछी और जानवर भी गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग हैंडपंप से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। खेत खलिहान भी पूरी तरह से सूख गए हैं। बेटिया, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम है? अच्छा, पढ़ाई करती हो? कौन क्लास में हो? अच्छा, इस बार गर्मी कैसी पड़ रही है, क्या लग रहा है आपको? सर, ये बार ऐसी गर्मी पड़ रही है, हम घर में घुसे रहते, ना स्कूल जा पाते, ना कहीं घर में घुसे रहते, हमारी पढ़ाई को बहुत नुकसान हो रहा है, कोचिंग भी नहीं जा पाते हैं ना कहीं, गर्मी बहुत पड़ रही है इस बार। डॉक्टर साहब, गर्मी में पारा बढ़ा हुआ है और इसमें कितना प्रभाव पड़ा है बच्चों पर या बड़ों पर, और क्या इसके प्रिकॉशन है, कौन कौन सी बीमारियाँ इसमें होती हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक प्राणायाम है। मैं जिला चिकित्सालय बांदा में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। आपका जो सवाल है कि इस समय पे पेशेंट्स की कितनी यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर जो देखा जाए कि बच्चों और जो बड़ों पे इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, जिससे ओल्ड एज हैं हमारे वृद्ध अवस्था वाले, इसमें बच्चों में जो है सबसे ज़्यादा लूज मोशन का शिकार हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि उनको प्रॉपर तरीके से कहा जाए कि जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है, उनको बचाया जाए, ठंडी जगह पे रखा जाए, और जितना हो सके अगर छोटा बच्चा है तो उसको प्रॉपर फीडिंग कराई जाए, और बड़ा बच्चा है जैसे कि अगर 4-3 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको प्रॉपर तरीके से पूरा खाना दिया जाए और उसको पानी की मात्रा की कमी नहीं होने दिया जाए। और यही वृद्ध जो अपने ओल्ड एज के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, इनमें भी यही चीज़ है कि लपट से बचिए आप, गर्मी से बचिए, और जितना हो सके अपने प्रॉपर शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ा के रखिए, को फल का इस्तेमाल करिए, जूस वगैरह का इस्तेमाल करिए, और तब भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो फिर आप अपने पेशेंट को यहाँ पे लाके एडमिट कराइए और उनके ड्रिप्स वगैरह छोड़िए। मरीजों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? मरीज देखिए, इस समय जब से गर्मी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ा है, तब से जो यहाँ की IPD है वो करीब 100 के आसपास जा रही है, और बच्चों में भी यही स्थिति बनी हुई है। और मैं जितना पेशेंट यहाँ पे अपने यहाँ पे एडमिट हो रहा है यहाँ पे जिला चिकित्सालय में, इनको हम लोग प्रॉपर तरीके से एंटीबायोटिक्स वगैरह का देते हैं, और जब इनकी यहाँ छुट्टी होती है तो उनको ORS वगैरह देके, और इनसे ये भी कहा जाता है कि आप घर जाके प्रॉपर तरीके से पानी का इस्तेमाल अच्छे से करिए, जूस वगैरह लीजिए, और जितना हो सके अपने बदन को ठंडा रखिए और ठंडी जगह पर रहने का प्रयास करिए। गर्मी से किस तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं? गर्मी से देखिए, ज़्यादातर देखिए वैसे तो डायरिया होता है, टाइफाइड भी इस समय बहुत हो रहा है, और अभी प्रॉपर तरीके से और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से यही दोनों बीमारियां गर्मी में सबसे ज़्यादा ही बढ़ती हैं। इस साल जो गर्मी पड़ रही है, क्या कभी ऐसी गर्मी पड़ी है, किस तरह से आप इस गर्मी से लड़ रहे हैं? अरे, इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आज तक हमारे जीवन में 47-48 साल उम्र हो रही है, हमारी पहली बार इतनी गर्मी पड़ी है। गर्मी में काम धंधा करना सब मुश्किल हो रहा है, पारा जो है बांदा का 47 से 48 पहुंच रहा है, बड़ा बुरा हालात है, पानी की दिक्कत है, पानी की समस्या है, पीने को पानी नहीं है, गर्मी के चक्कर में घर से काम पे निकलते हैं, काम नहीं मिलता, काम नहीं कर पा रहे हैं, गर्मी के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है। गर्मियाँ बहुत तेज़ हो रही हैं यहाँ, और गर्मियों की वजह से यहाँ जो है हालत आदमियों की ख़राब है, नदी तालाब सब सूख गए हैं, पानी भी नहीं आ रहे हैं, और सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, और इसके बाद 47-48 पारा चल रहा है, और हाल बेहाल है आदमियों का यहाँ। तो सबसे ज़्यादा जो सीधे असर डालती गर्मी वो है लू का प्रकोप, और दूसरा जो है इस मौसम में बहुत से कीटाणु, खासतौर से बैक्टीरिया जो है वो पनपते हैं, जिसके कारण
बैक्टीरियल जनित रोग होते हैं जो गोनोरिया जनित रोग भी कहते हैं, जैसे कि कॉलरा है, टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, पीलिया है, ये सब जनित रोग जो है इस समय ज़्यादा होते हैं। लू जो होती है वो ज़्यादातर जो बॉडी का शरीर का जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है जब खराब हो जाता है तो उसमें लू होता है, लू का असर हो जाता है। आदमी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वह अचेत होकर के गिर जाए, कभी कभी वो प्राण घातक भी हो जाता है। इसके बचाव के लिए ये है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आदमी एकदम से तेज धूप में ना, खास तौर से विशेष रूप से ठंडी जगह में रह रहा है जैसे एसी में, वो अगर बाहर धूप में निकलता है तो उसको लू लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बूढ़ों को, बच्चों को बिना सर ढके धूप में निकलना इसका पे उचित नहीं है। अगर वो भी जो है सर ढकने के लिए कपड़ा गीला करके अगर डालें तो ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी और नमक लेना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए पसीना बहाता है जिससे पानी और नमक की कमी हो जाती है, उससे भी आदमी अच्छे होते हैं। इसको हम हीट एग्जॉशन बोलते हैं, और जो डायरेक्ट गर्मी टेम्परेचर फेलियर होने से जो होता है जो दिमाग नहीं काम करता जिससे टेम्परेचर नहीं कंट्रोल होता उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। हीट स्ट्रोक में मरीज को जल्दी से जल्दी ठंडी जगह पर ला करके गीले कपड़े उसको ढक करके शरीर में और तेज हवा के बीच में रखना चाहिए, कूलर के सामने या बर्फ़ के सिलने हो बर्फ़ के बीच में रखना चाहिए जब तक कि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो। जब वो होश में आ जाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी और नमक का प्रयोग करना। बीमारियों से बचाव के लिए जो जल जनित बीमारियाँ हैं, शुद्ध पानी पीना चाहिए आजकल, ज़्यादातर जो हैंडपम्प का पानी हो, और खाने में जो रखा हुआ खाना हो, बासी खाना हो, खासतौर से जो दूध के बने हुए सामान होता है, पनीर होते हैं, वो जल्दी ख़राब होते हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा कम से कम करना चाहिए और ताज़ा खाना। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।